हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट एनी फंक्शन टू द पोलिनोम जैसे साइन एक्स को पॉलिनोम में कन्वर्ट करना है कॉस एक्स को पॉलिनोम में कन्वर्ट करना है टैन एक्स ई पार एक्स लॉग एक्स ऑल दीज फंक्शंस कैन बी कन्वर्टेड टू अ पॉलिनोम फंक्शन कंटिन्यूस होना है दैट इज ओके सो e x का एक्सपेंशन आपको पता है साइन x का भी एक्सपेंशन आपको पता है वो पॉलिनोमियल फॉर्म इज एक्चुअली कॉल्ड एक्सपेंशन लिमिट में हमने देखा है सारे के सारे फंक्शन सो हाउ डू वी गेट दैट दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीटली डिस्कस इट सपोज देयर इज अ फंक्शन f x अ पॉलीनोमियल f x a 0 a 1 x a 2 x 2 a 3 x 3 A4 x power 4 and so on. Now, nth jaga infinity is not going to matter. If I differentiate this, what do I get? I am going to get A1 plus 2A2x, 3A3x square, 4A4x cube and so on. If I differentiate again, I will get 2 into 1A2. प्लस थ्री इंटू टू एंटू थ्री ए फोर एक्स स्क्वाट अगेन वो आई गेट आई गेट थ्री इंटू टू इंटू वन यहां एक्स था फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू ए फोर एक्स है एट्स वा वट आई एम गोइंग टू डूस आई एम गोइंग टू पुट जीरो क्या आएगा एफ ऑफ जीरो आएगा ए नॉट ये सारे टर्म तो जीरो हो गए टेल मी एफ डैश जीरो क्या होगा एफ डैश जीरो विल बी ए वन क्योंकि ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे एफ डबल डैश जीरो क्या होगा ए टू इज नॉट द करेक्ट आंसर दैट विल बी टू ए टू और आई कैन से टू फैक्टोरियल ए टू टू इंटू एक पर्पज से लिखा है इट इज नॉट गोइंग टू मेक इन डिफरेंस बट पैटर्न में काम आएगा और एफ थर्ड डेरिवेटिव जीरो पे क्या आएगा थ्री इंटू टू इंटू वन ए थ्री मतलब थ्री फैक्टोरियल ए थ्री एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज देम फॉर हिम सो एफ एक्स इज ए नॉट मतलब एफ जीरो प्लस ए वन एक्स ए वन इज एफ डैश जीरो बाई वन फैक्टोरियल आई कैन राइट upon 1 factorial it is basically 1 if you want you can write 0 factorial also okay a2 a2 is what f double dash 0 by 2 factorial into x square plus x cube ka coefficient a3 hai and a3 is third derivative upon 3 factorial and this is how we are going to write <coughs> the whole expression कोई भी फंक्शन को पोलिनॉमिल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते सो यूजिंग दिस वी कैन कन्वर्ट एनी फंक्शन टू अ पोलिनॉमल लेट मी शो यू सपोज वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स एफ डैश एक्स विल बी कॉस एक्स एफ डबल डैश एक्स विल बी माइनस साइन एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स एंड सो तो एफ आई से की साइन एक्स इक्वल टू एफ जीरो जीरो आ जाएगा एफ डैश जीरो एफ डैश एक्स है कॉस एक्स तो एफ डैश जीरो हो जाएगा कॉस जीरो दैट इज वन एफ डबल डैश जीरो एफ डबल डैश है माइनस साइन एक्स और जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश है माइनस कॉस एक्स और माइनस कॉस जीरो पुट करोगे तो माइनस वन आ जाएगा एंड सो so अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो आई कैन राइट साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स पार फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल एंड सो सोअ दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रसिंग सो so, इससे हम साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख सकते हैं वी कैन यूज सेम फॉर कॉस एक्स वी कैन यूज सेम फॉर टैन एक्स वी कैन यूज सेम फॉर एल एन एक्स से अच्छा एल एन वन प्लस एक्स होता है देन वी कैन यूज ई पार एक्स एंड वट नॉट वट एवर यू वॉन्ट यू कैन कन्वर्ट इट टू दिस अब इसका एप्लीकेशन की बात करते <coughs> किसी भी पोलिनोम में कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है स्टेंट टर्म इन एनी पोलिन सो लेट मी राइट इट कॉन्स्टेंट टर्म देन आस्कोफेंट ऑफ एक्स क्या होगा देन आई कैन आस्क कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा देन आई कैन आस्क कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा एंड सो दे आई कैन आस्क इन जनरल कोफिशेंट ऑफ एक्स पार आर क्या होगा इफ यू सी कोफिशेंट ऑफ एक्स इज सॉरी कोफिशेंट ऑफ सॉरी कॉन्स्टेंट टर्म इज एफ ऑफ जीरो सो दैट विल बी एफ जीरो जीरो बाई वन फैक्टोरियो बाय फैक्टोरियस स्क्वायर का कोफिशन क्या है

And that is the whole idea. So, using this concept, we can find so many questions, and so many different type of questions can be solved. Let me give you some example, and then we will finish it up. Okay. So now I am going to give you one example. Before that, let me rewrite again. Keep in any function f x in polynomial form, coefficient of x power r.

फिफ्टीन सी एट याद आया रॉन्ग है फिफ्टीन पी एट इंटू वन प्लस एक्स का पार फिफ्टीन माइनस एट आर एक्स पार आर का कोफिशिएंट आर डेरिवेटिव अपॉन आर फैक्टोरियल तो एक्स आरथ एट डेरिवेटिव विल बी एट्थ डिफरेंसिएशन एट्थ डिफरेंसिएशन विल बी फिफ्टीन पी एट एक्स पार फिफ्टीन माइनस वन प्लस एक्स पार फिफ्टीन माइनस एंड सोफिजन इज वॉट एक्स को जीरो पुट करना पड़ेगा एक्स को जीरो पुट करेंगे तो फिफ्टीन पी एट इंटू वन पावर सेवन दैट इज वन सो आंसर इज वॉट एथ डेरिवेटिव दैट इज फिफ्टीन पी एट अपॉन आर फैक्टोरियल मतलब के साथ आता है तो के साथ क्या आएगा फिफ्टीन सी एट वो हमें सीधा सीधा पहले से पता है एंड दैट्स वाई आई कि आपको पता होगा हाँ ये हमें पहले से पता है तो कैलकुलेट करके भी वही आइडिया है लेट मी से कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पार या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की बात करते साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में और लेट मी से इसके स्क्वायर में सिंपल तो बहुत आसान होगा इसके स्क्वायर में एक्स पार फाइव का कोफिशेंट क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर के एक्सपाइशन में एक्स एक्सपायर फाइव का कोशन क्या होगा तो इफ आई कैन से कि फिफ्थ डेरिवेटिव एट जीरो अपॉन फाइव फैक्टोरियल सो फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी व्हाट फर्स्ट विल बी टू साइन प्लस कॉस इंटू कॉस माइनस साइन टू इंटू साइन प्लस कॉस इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस कॉस का माइनस साइन वट डू वी हैव इट वी हैव टू कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दैट इज टू कोस टू एक्स एफ डबल डैश क्या होगा दैट विल बी टू इंटू माइनस साइन टू एक्स इंटू टू आई कैन से जो थर्ड डेरिवेटिव होगा माइनस टू क्यूब कॉस टू एक्स होगा आई कैन से किसका फोर्थ डेरेवेटिव माइनस टू पार फोर कॉस का डेरेवेटिव माइनस साइन होता है तो प्लस हो जाएगा एंड फिफ्थ डेरेवेटिवी टू पार फाइव कॉस टू एक्स सो नाव टेल मी वॉट विल बी दिस इसमें जीरो पुट करोगे तो कॉस जीरो का वैल्यू वन आएगा दैट विल बी टू पार फाइव दैट इज थर्टी टू अपॉन फाइव ियल दैट इज फिफ्थ डेरिवेटिव था अदरवाइज तो इसका एक बार करने पे आया। इसको फोर टाइम डिफरेंशियट करेंगे तो हम एन डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी लगा सकते थे दैट इज कोस एन पाई प्लस थीटा सो इफ आई डायरेक्टली वॉन्ट टू राइट यहां से कि फिफ्थ डेरिवेटिव क्या होगा सो व्हाट आई कैन से आई कैन से कि नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट एफ डैश आ चुका है फोर टाइम्स और डिफरेंशिएट करना है और फोर टाइम्स और डिफरेंशिएट करना है तो दैट विल बी कॉस फोर पाई बाय टू प्लस टू एक्स नो इन टू टू रेस्ट पार फोर भी आएगा विच इज टू पावर फाइव मैच किया कॉस फोर पाए बाय टू मतलब टू पाए और कॉस टू पाए प्लस थीटा इज कॉस थीटा देखो सेम टू सेम मैच कर गया तो 5 था 5 बार डिफरेंशिएट कर लिया 15 होता तो मैं यही मेथड यूज करता और व्हाट वी कैन डू इसका स्क्वायरिंग कर लो इफ आई स्क्वायर दिस व्हाट डू आई गेट 1 प्लस साइन टू और इसका फिफ्थ डेरिवेटिव क्या होगा इसका फिफ्थ डेरिवेटिव वन का फिफ्थ डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा एंड साइन टू एक्स का फिफ्थ डेरवेटिव टू पार फाइव साइन फाइव पा बायू प्लस टू एक्स हो जाएगा विच इज अगेन सेम एज क्योंकि टू पार फाइव मैच कर गया है और साइन फाइव पा बाई टू प्लस एक्स एस कॉस एक्स तो यह कॉस टू एक्स हो गया सुधी so तो ऐसे हो गया लेटमी से टू प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्यूब और लेट मी से पार थ्री पार फोर कुछ मिसिंग भी होगा तो चलेगा इसमें आपको इसका पार टेन है वी हैव टू फाइंड कॉन्स्टेंट वी हैव टू फाइंड कोफिशेंट ऑफ एक्स वी हैव टू फाइंड कोफिशेंट ऑफ एक्स पार फोर्टी

तो इसको जब एक्सपेंशन करोगे वैसे बायनोमियल थेरम आपने पढ़ा है मल्टीनोमियल भी आपको पढ़ाया गया था विच इज एक्चुअली नॉट यूजफुल इन आर सिलेबस बट वी नो दैट इसमें पार टेन से स्टार्ट होगा और फाइव पार टेन एक्स पार फोर्टी पे फिनिश होगा मतलब एक्स का पार जीरो से लेकर के फोर्टी तक इट कुड बी एनीथिंग सो वोट वी नो दैट पार फोर्टी का ही करना है

will be 10 into 2 plus 3x minus 4x cube plus 5x power 4 power 9 into 3 minus 12x square plus 20x cube. Now what is f dash 0? f dash 0 will be 10 into 2 power 9 into 3 and that is f dash 0 and that is coefficient of x. एक्स पार थर्टी नाइन अच्छा एक्स का चाहिए होता क्या तो क्या करते हम उसमें एक्स का पार, एक्स की पुट कर देंगे, और फाइनली डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल भी बट थोड़ा और आसान कर देता तो हूं आपके लिए अगर मुझे x का कोफिशन चाहिए सो वी डोट नॉट नीड डीज टर्म यह सौ में जरूरत ही नहीं वी डोट नीड एट ऑल डीज सो आई कैन से कि स्किप कर देते हैं सिर्फ टू प्लस थ्री एक्स की बात करते हैं तो टू प्लस थ्री एक्स की अगर बात करेंगे इट विल बी लाइक दिस अगेन यू आर गेटिंग द सेम आंसर अगर मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो भी इसका कोई जरूरत नहीं है ये जहां भी आएगा मिनिमम एक्स क्यूब के साथ आएगा और मिनिमम एक्स क्यूब की हमें जरूरत नहीं है व्हाट वी नीड इज एक्स स्क्वायर सो आई कैन से कि एफ डबल डैश एक्स विल बी थ्री इंटू टेन इंटू नाइन टू प्लस थ्री एक्स पार एट इंटू थ्री प्लस डॉट 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 यहां भी आई कैन से प्लस डॉट 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 विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज वी डोट नॉट नीड वो सारे टर्म में क्या है ना एक्स आने वाला है और वो एक्स का टर्म जीरो हो जाने वाला है सो वॉट डू आई गेट इज एफ डबल डैश जीरो विल बी थ्री इंटू टेन इंटू नाइन इंटू टू बार टेन इंटू थ्री सो एक्स स्क्वायर का कोपेसन क्या हो जाएगा दिस अपॉन टू फैक्टोरियन सो काफी टिपिकल क्वेश्चन मैंने पिक किया है बट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली वेरी सिंपल एक बार डिफरेंशिएट करो अपॉन वन फैक्टोरियल करोगे का पार टू के लिए दो एंड फाइनली ये थोड़ा गंदा सा दिख रहा है एक्सपार थर्टी नाइन थर्टी नाइन का मतलब इससे वन डिग्री कम वन डिग्री कम है सो आई कैन से लेट्स एक्सपार फोर कॉमन एक्स पार फोर्टी कॉमन आ गया बचा टू अपॉन एक्स पार फोर प्लस थ्री अपॉन एक्स क्यूब माइनस फोर बाय एक्स प्लस फाइव पार फोर्टी इसमें मुझे x पावर 39 नाइन का कोफिशिएंट चाहिए मतलब इफ आई डिवाइड एवरीथिंग बाय x पावर फोर्टी वी नीड कोफिशिएंट ऑफ x पावर माइनस वन अब x माइनस वन की बात करते हैं तो इसमें x माइनस थ्री माइनस फोर वाले पार्ट्स का कोई रोल नहीं होगा सो व्हाट आई कैन से माइनस वन को से वाई तो आई कैन से द क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ वाई इन फाइव माइनस फोर वाई पार फोर्टी पार टेन है एक्चुअली का पार्ट है y का कोफिशन एक बार डिफरेंशिएट करके अपॉन वन फैक्टोरियल और ये तो हमें सीधा से पता है कि दैट विल बी का पार 10 माइनस फोर पार वन यहां से भी लिख सकते हैं सो दिस इज वेरी नाइस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग कोफिशेंट्स ऑफ एनी सीरीज हाँ दिस होल मेथड इज एक्चुअली सीरीज मैंने लिखा था दैट इज कॉल्ड टेलर सीरीज ए वाई एल ओ आर टेलर सीरीज होता है और टेलर सीरीज का यूज करके वी कैन कन्वर्ट एनी फंक्शन टू पॉलिनामिल एंड वी कैन फाइंड कोफिशेंट ऑफ एनी पार ऑफ एक्स सो आई थिंक दैट्स इट थैंक यू